असमय बाल सफ़ेद होना साथियों, यह जन जन की समस्या है, यह आपकी भी समस्या है, यह हमारी भी समस्या है। हमारी तो चलिए थोड़ी उम्र हो गई तो डॉक्टर बड़ा तजुर्बेकार है, ये चल के हम अपनी TRP बढ़ जाती है बाल सफ़ेद होने से, लेकिन हमारे समाज की, हमारे परिवार के बच्चों और महिलाएं जिनके बाल सफ़ेद रहते हैं वह परेशान रहती हैं। आज हम आपके लिए 2 रुपए के अंदर इस समस्या के निवारण का उपाय लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से असमय बालों के सफ़ेद होने की। एक वीडियो में हमने डाई के बारे में बताया है कि अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो आप डाई का इस्तेमाल करके कैसे अपने बालों को समाज को काला दिखा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छी बात यह साथियों कि आपके बाल सफ़ेद हो ही ना असमय। मैं ध्यान से बात कर रहा हूँ, असमय। जैसे अब 40 साल के बाद अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जैसे कि मेरे सफ़ेद हुए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं, और हमारे बाल सफ़ेद होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इसको तजुर्बे में मानते हैं। मरीज़ आता है, कहता है डॉक्टर साहब के थोड़े बाल सफ़ेद हैं, इनको तजुर्बा ज़्यादा है। लेकिन जिन हमारी महिलाओं के, बहनों के, बाल बच्चों के बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, वह परेशान हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा नुस्खा है ये कि जो बाल सफ़ेद हुए हैं वो ठीक हैं और बाल सफ़ेद ना हो। बहुत ही आसान नुस्खा साथियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल सफ़ेद होने से रोकने के लिए, और बहुत आसान नुस्खा है साथियों। आपको इस नुस्खे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आजकल आंवला यानी इंडियन गूसबेरी ये काफ़ी बाज़ार में आ रही है। विंटर्स या सेमी विंटर समर्स का सीज़न है, आंवला मिल जाता है। तो आपको 2 आंवले ले लेने, थोड़े पके हुए 2 से 3 आंवले ले लेने हैं। इसको आपको क्रश कर लेना है, उस इंडियन गूसबेरी को आपको क्रश कर लेना है, उसके बीज को हटा देना है, उसको आपको क्रश कर लेना है। और क्रश करके उसमें आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला देना है, कोकोनट ऑयल आपको थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना है। और यह जो अब आपका पेस्ट बनेगा कोकोनट ऑयल और आंवला का, इसको थोड़ा लिक्विड कर लें ताकि जड़ों में आसानी से चला जाए। इस पेस्ट को आप अपने हेयर्स में अप्लाई कर लीजिए, हेयर रूट्स में अप्लाई कर लीजिए। इसको 15 से 20 मिनट आप यूं ही लगा छोड़ दीजिए, और 15 से 20 मिनट बाद आप इसको अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। ऐसा जब आप 15 से 20 दिन लगातार करेंगी तो आप देखेंगी कि उसके बाद आपके बाल सफ़ेद होने की फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई, यानी बाल सफ़ेद होना रुक गए। बहुत साथियों अद्भुत नुस्खा है ये, और साथियों यह काम करेगा। हम आपको यह भी बताते हैं यह क्यों काम करेगा। यह साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि आंवले में पाया जाता है, हम लोग सब जानते हैं विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन आंवले में बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ई। और विटामिन ई साथियों आपका बालों को, असमय सफ़ेद बालों को काला करने में मदद करेगा और आपको लाभ देगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों, आप इसको करिएगा, 15 से 20 दिन करिएगा, और हम लोगों को बताइएगा कमेंट पोर्शन में लिख के आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। और साथियों मैं आपको बोनस रेमेडी भी बताता हूँ होम्योपैथी में इसकी। असमय बाल सफ़ेद होने से रोकने की 3 बहुत कारगर दवाएं हैं। पहली दवा है एसिड फॉस 30, दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 30, और तीसरी दवा है विस्बेडिन 30। तो अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं तो साथ में आप एसिड फॉस 30, लाइकोपोडियम 30 और विस्बेडिन 30 भी ले सकते हैं। यह दवाएं बहुत कारगर हैं, आपको लाभ देंगी। और एक राय जरूर दूंगा, बल्कि आपसे निवेदन करूंगा कि दवाओं की जहां तक बात है साथियों, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा। और ये नुस्खा साथियों आप करिएगा और हम लोगों को बताइएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का समुचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, अपना कीमती वक्त हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।